गरियाबंद में हो रहे पलायन से अब कमार जनजातियों के बसाहट वाले राजीव गोदग्राम कुल्हाड़ी घाट से भी पलायन का मामला सामने आया है। वैक्सीनेशन की सूची तैयार करते समय पंचायत सचिव को पलायन की भनक लगी। पंचायत सचिव द्वारा जनपद सीईओ को सौंपे गए सूची ने पंचायत के 5 गांव से 29 परिवार के 49 मजदूर अपने 17 बच्चों के साथ पलायन कर गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि पलायन करने वालों में स्कूल का स्वीपर और आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका का नाम भी शामिल है। दिसंबर माह से तेलंगाना के लिए पलायन करने की जानकारी मिली है। सरकारी रिकॉर्ड की माने तो गांव में मनरेगा के 1 करोड़ लागत से 49 काम की मंजूरी दी गई है। काम भी चल रहे हैं पर भुगतान नियमित नहीं होना पलायन का वजह बताया जा रहा है। जनजातियों के बसाहट वाले अमली के बाद अब राजीव गोदग्राम से पलायन से प्रशासन सकते में आ गया है। अफसर कारण का पता लगाने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। इधर पलायन कैसे थमेगा इस पर विचार नहीं किया जा रहा है। काम में कमी नहीं है, यहाँ उधर तेलंगाना के आदमी क्या एजेंट लोग पैसा नगद दे देते हैं, लोगों को दे देते हैं तो पैसा नगद मिलता है करके पैसा रख लेते हैं, भाग जाते हैं तेलंगाना। तो उनको एडवांस में देते हैं पैसा? एडवांस दे देते हैं। तो फिर वहाँ जाके क्या होता है? वहाँ काम करते हैं, उसके बाद भाग के भी आ जाते हैं ज्यादा। तो जो लोग आते हैं तो वो लोग बताते हैं काफी प्रताड़ित करते हैं, भारी दिक्कत है वहाँ काम में, ऐसे बोलते हैं। फिर क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? यहाँ वो पैसा इकट्ठा 30,000-20,000 देते हैं तो उसके लालच में आ जाते हैं। उसके लालच में आ जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि वहाँ प्रताड़ित कर, जाने के बाद भूल जाते हैं वो कितना घसेटी, कितना वहाँ तकलीफ पड़ता है। तो उसको अभी कोरोना वैक्सीनेशन के लिए गांव-गांव हर वार्ड एक लिस्ट बना रहा था, तो लिस्ट बनाने दौरान पता चला कि इतने लोग हमारे ग्राम पंचायत और गांव के लोग नहीं है। तो फिर गांव वाले से पता किया तो बोले कि तेलंगाना चले गए हैं। ऐसे कितने लोग हैं? तो लिस्ट करीब 49 वयस्क सदस्य है जो जिनका जॉब कार्ड है, और करीब उनके साथ साथ 17 बच्चे हैं। 2 कर्मचारी भी? हाँ, जिसमें एक आंगनबाड़ी सहायिका और एक स्वीपर है स्कूल का, गवर्नमेंट स्कूल का। वो भी पलायन कर गए। कोई काम की कमी नहीं, वहाँ टोटल 51 काम स्वीकृत हुए हैं जिसमें मात्र 4 ही काम पूर्ण हुए हैं, बाकी शेष काम पूरा रनिंग में है, सभी संचालित हैं। हमारे तरफ से ऐसे नहीं कि नरेगा का कोई काम नहीं है, रोजगार मूलक पूरे काम है लेकिन काम नहीं हो रहा जी। मैं तो ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे वहाँ जो रोजगार सहायक उनके द्वारा बहुत अच्छा काम किया जा रहा है फील्ड स्तर पे, जिसके लिए हमने 26 जनवरी को उनको पुरस्कृत भी किया था कि ऑल ओवर हमारे विकास करने बहुत अच्छा काम, मजदूरी मूलक में, मानव दिवस के लिए और अच्छे अनेक कार्य करने के लिए। गरियाबंद से जय विलास शर्मा, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।